गुंटूर के जिन्ना टावर के नाम को तब्दील करने का ज़ाफ़रानी जमातों ने किया मुतालिबा। रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ज़ाफ़रानी जमातों की शरंगेजी जिन्ना टावर के नाम को तब्दील करने का शुरू किया मुतालिबा। आंध्र प्रदेश में ज़ाफ़रानी जमातों के कारकुनों ने गुंटूर शहर में वाक़े 79 साल कदीम जिन्ना टावर के नाम को तब्दील करने का मुतालिबा शुरू कर दिया। ज़ाफ़रानी जमातों के कारकुनों ने 26 जनवरी को जिन्ना टावर पर कौमी परचम लहराने की भी कोशिश की। बीजेपी बजरंग दल और विश्वा हिंदू परिषद के कारकुनों की शरंगेजी को देखते हुए मुकामी मुसलमानों की राय हासिल करते हुए गुंटूर के रुकन असम्बली मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिन्ना टावर को कौमी तिरंगे के रंगों से रंग दिया गया है और यहां जुमेरात 3 फरवरी को ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जिन्ना टावर के अहाते में कौमी परचम लहराने का फ़ैसला किया गया है। गुंटूर ईस्ट के रुकन असम्बली मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनका ताल्लुक हुकुमरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से है, मंगल के रोज़ हिफाजती इंतजाम का मुआयना के लिए टावर का दौरा किया। इन्होंने बीजेपी पर फिरकावाराना तसद्दुम को भड़काने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम शख्सियतों ने आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी। आज़ादी हासिल करने के बाद कुछ मुसलमान मुल्क छोड़कर पाकिस्तान में आबाद हो गए, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के तौर पर अपने मुल्क में रहना चाहते थे और हम अपनी मादर वतन से मोहब्बत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एच न्यूज़। हमारे एच न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।